चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हो कि थ्री प्रोजेक्टाइल है, ठीक ना, ए बी सी नाम से थ्री प्रोजेक्टाइल है, एंड थ्रोन फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन। मतलब सेम पॉइंट से सेम प्लेन में फेंका जा रहा है। ए वाई है, ए एक्स है, देयर ट्रेजेक्ट्री आर शोन इन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब ये आंखों से देख रहा है आपको, ये ट्रेजेक्ट्री, ये जो है पाथ है, अलग अलग है, ठीक ना। और हर एक का एंगल, जो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है सी, उसका एंगल ये वाला है, और जो बी वाला है उसका वो एंगल ये वाला है, और जो ए वाला है उसका एंगल ये वाला है। तो थीटा ए और ये थीटा बी और ये थीटा सी। मतलब यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो थीटा ए है वो सबसे अधिक है थीटा बी से और थीटा सी, ये आंखों से देखने से पता चला। और ये जो हाइट, मैक्सिमम हाइट है, इन तीनों का बराबर है। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बराबर है बी बराबर है सी, ये भी हमें देखने से पता चला। अगर मैं कंपोनेंट करता हूँ, यहाँ से कंपोनेंट करता हूँ कि ये वाली जो वेलोसिटी यू है मान लो, तो अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट इधर जाएगा जो कि यू कॉस थीटा, और एक इधर आएगा जो होगा यू साइन थीटा। उसी तरह से ए बी सी के लिए अगर मैं करता हूँ तो एक मतलब हॉरिजेंटल रेंज सेम है, तो इधर हॉरिजेंटल रेंज एच ए बराबर है एच बी के बराबर है, और रेंज जो मैक्सिमम हाइट है उसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। और यहाँ से जो यू साइन थीटा वो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ। यहाँ से तो तुम देखोगे यहाँ से हाइट सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए बराबर 2g, ठीक है ना। ये वाला बराबर होगा यू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है बी वाले का 2g, बराबर होगा यू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी बराबर होगा 2g के। अब ये 2g सब खत्म हो गया, तो ये जो है यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ए का, बराबर होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बी का, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सी का। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी है ये वाली, ये इन तीनों की बराबर है, तीनों की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u sin थीटा ओवर जी, और इसको मैं 2/g, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये वाली तीनों की सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों का सेम होगा, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए बी और टी सी तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, क्योंकि तीनों की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है। मतलब अगर तुम यहाँ से देखोगे तो अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है, तो देखो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, ए ऑप्शन यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए कि तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। अब रहा लॉन्चिंग स्पीड ग्रेटेस्ट किसके लिए होगी, और वो हॉरिजेंटल रेंज आपको ग्रेटेस्ट फॉर सी, आंखों से देखने से लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट लॉन्चिंग स्पीड ग्रेटेस्ट फॉर सी। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले मैं रेंज आंखों से देखने से पता चल रहा है कि रेंज ऑफ सी इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ ए। और रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है 2u² sin थीटा कॉस थीटा ओवर जी। अगर मैं इसको दूसरे टर्म में लिखूं तो यू यहाँ से यू एक्स और यू वाई अपन जी, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो रेंज का फार्मूला अब तुम यहाँ से देखोगे, यू आई तो सभी का सेम है, तो यू आई अगर सभी का सेम है तो रेंज इज प्रोपोर्शनल टू यू एक्स, ठीक है ना, क्योंकि सभी इसमें सभी सेम है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ सी इज ग्रेटर देन हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ ए। मतलब हॉरिजेंटल स्पीड जो सी है उसका सबसे अधिक होगी, दैट्स वाई उसका रेंज अधिक होगा। मतलब हॉरिजेंटल मतलब बी ऑप्शन भी सही है। तो अब देखो जो नेट वेलोसिटी होगी, जो नेट वेलोसिटी ई होगी वो होगी यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ से तुम देखोगे जो यू वाई है वो सेम है सभी के लिए, तो अगर नेट स्पीड लॉन्चिंग स्पीड मैक्सिमम होगी, जब ये वाली चीज़ हॉरिजेंटल वाली जिसकी मैक्सिमम होगी क्योंकि ये तो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट लॉन्चिंग स्पीड सी की वो अधिक होगी।
लेंथ ठीक है ना 20 है और सबसे कम होगी लॉन्चिंग स्पीड a की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ सी इज ग्रेटेस्ट फॉर सी। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ से देखोगे तो सी की अधिक होगी और लॉन्चिंग स्पीड सी की भी अधिक होगी, मतलब डी सी भी सही है, मतलब डी ऑप्शन इसमें से सही है। ऑल ऑप्शन आर एबव करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।